हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के एक और ऑसम टिप के बारे में बताएंगे, जो कि व्हाट इफ एनालिसिस से रिलेटेड है। इस टिप में हम आपको ये बताएंगे कि एक सेल की वैल्यू हम किसी दूसरी सेल की वैल्यू के बेसिस पर कैसे सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं, और इनकी क्वांटिटी है, फिर इनकी यूनिट प्राइस है और इनका टोटल है। क्वांटिटी को यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल आया है, और टोटल हमारे पास जो सेल है ये अबाउट 6,000 का ये टोटल आया है। अब हम चाहते हैं कि जो आइटम 3 है, इसके कितनी हम क्वांटिटी सेल करें, जिसकी प्राइस है 9.75, इसकी कितनी हम क्वांटिटी सेल करें कि हमारे पास जो टोटल जो हमारा रेवेन्यू है या जो टोटल सेल है वो 10,000 आ जाए। सही है ना? कितनी यूनिट्स हम आइटम 3 के, कितनी क्वांटिटी या यूनिट्स हम इस आइटम 3 की सेल करें कि हमारे पास जो टोटल हो वो 10,000 आ जाए। तो हम इस सेल से बाहर क्लिक करके, रिमेंबर इसी सेल पे आपने नहीं रहना, आपने किसी बाहर किसी भी सेल पर, आउटसाइड किसी भी सेल पर क्लिक करके आपने डेटा मेन्यू में जाना है, और फिर डेटा से आपने व्हाट इफ एनालिसिस, ये देखें व्हाट इफ एनालिसिस, इस पे आके आपने गोल सी को सेलेक्ट करना है। अब हमने कौन से सेल को सेट करना है, रिमेंबर हमने कहा था कि हमने इस सेल के वैल्यू को 10,000 करना है, तो इस सेल को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस सेल को मैंने क्लिक किया, अप टू वैल्यू, टू वैल्यू हमारे पास हमने जो टारगेट सेट किया है वो 10,000 है, तो इसमें हम 10,000 लिखेंगे, ये देखें 10,000। और ये जो तीसरा है बाय चेंजिंग सेल, इसमें हमने कहा था कि ये क्वांटिटी, कितनी हमें क्वांटिटी सेल करनी होगी, तो इसमें हमें क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करना है। ओके, नाउ सी द मैजिक, यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे आप देखें कि एक्सेल किस तरह कैलकुलेट करता है। क्लिक ओके, ये देखें हमें अबाउट 410 यानी 410 यूनिट्स हमें सेल करने हैं ताकि हमारी रेवेन्यू जो है वो 1,000 या फिर 10,000 आ जाए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ सो ईजी टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ वन सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर सेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।